आइए अब हम अभ्यास कार्य देखेंगे। आपने अध्याय पढ़ा जिसमें हमें कुछ नई धातुएं मिली, तो सबसे पहले हम नई धातुओं के बारे में जानेंगे, जिनमें सबसे पहली है क्री। विद्यार्थियों, क्री का अर्थ होता है करना, ठीक है। और अगली धातु है त्री, जिसका मतलब है तैरना, रच बनाना, और अस जिसका मतलब है होना। ये नई धातुएं हैं क्री, करना, त्री तैरना, रच बनाना और अस होना। अभ्यास कार्यम इसमें पहले हम देखेंगे मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्नों में कंठस्थम कृत्वा उच्चारणम करो, कंठस्थ करके उच्चारण कीजिए, इन्हें हमें याद करना है और उच्चारण करना है। सबसे पहला है त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष में है। त्वम तुम एक वचन में, युवाम तुम दोनों बहुवचन में, और यूयम तुम सब बहुवचन में, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। मतलब है त्वम एक के लिए, तुम युवाम तुम दोनों द्विवचन में, और यूयम तुम सब बहुवचन में। इसी प्रकार से ये क्रिया है, ये भी मध्यम पुरुष की है, मध्यम पुरुष का रूप है। पठसी, ये त्वम के साथ, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, ठीक। इसी प्रकार से युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो द्विवचन में, और यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो, ये बहुवचन में, ठीक है। मौखिक प्रश्नों के बाद में हम देखते हैं लिखिता प्रश्ना। लिखिता प्रश्ना, लिखित प्रश्न जो है उन्हें हम सॉल्व करेंगे, उन्हें हल करेंगे। उचित विकल्पे ये सही का निशान टिक मार्क चिन्हम योज्य, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। हम पहला हमारा सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला रिक्त स्थान है, लिखा हुआ है त्वम किम, ठीक है, त्वम किम। तो यहां आप देखिए त्वम जो है उसके साथ में क्रिया का कौन सा रूप आएगा, त्वम के साथ पठती आएगा, करोसी आएगा या पठत आएगा, क्रिया का कौन सा रूप है जो त्वम के साथ आएगा, ठीक है। तो यहां अभी अभी आपने देखा त्वम पठसी, तो असी जुड़ा हुआ है, ये त्वम के साथ कौन सा रूप आता, देख एक वचन में है, तो एक वचन का रूप देखिए पठती, मध्यम पुरुष एक वचन, पठती करोसी और पठत, तो यहां पर कौन सा रूप है, करोसी, करोसी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो यहां पर नोट भी कर सकते हो करोसी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे की बात करें तो यह है युवाम किम, युवाम किम, युवाम से मतलब है तुम दोनों, ठीक है, युवाम तुम दोनों, किम क्या, हमारी क्रियाएं हैं खेलसी, लिखत और कुरूत, ठीक है, तीन क्रियाएं हमारे पास हैं, तीनों में से हमें चुनना है कौन सी, कौन सा विकल्प सही है और कौन सा इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो देखिए खेलसी, लिखत और कुरूत, तो युवाम किम क्या हो जाएगा, कुरूत, क्या हो जाएगा, युवाम किम कुरूत हो जाएगा, कुरूथर, तो विकल्प हमारा होगा
ये तीसरे नंबर का बिल्कुल सही होगा। तो तीसरे नंबर पर हम टिक मार करेंगे और इसे नोट भी कर देंगे। तो युवाम किम कुरुथर लिख सकते हैं यहां पर, कुरुथर यह द्विवचन का रूप है। किसका रूप है? द्विवचन का रूप है। ठीक, किसी प्रकार से अगला है गर, यहां हमें कहता है यूयम किम। तो यूयम देखिए त्वम एक वचन में है, एक वचन क्रिया का रूप आएगा। युवाम किम यहां द्विवचन है युवाम, तो यह द्विवचन का आएगा। और यूयम यहां पर यह बहुवचन का रूप है, तो यूयम किम ठीक है। हसत है, कुरुत है और गच्छसी, ठीक है। गच्छसी नहीं होगा क्योंकि वह क्या है, वह एक वचन का रूप है। और यूयम किम हसत, हसत नहीं होगा क्योंकि तुम क्या हंसते हो, कोई इसका सेंटेंस नहीं बनता है। तो यूयम किम कुरुत क्या हो जाएगा, यूयम किम कुरुत तुम सब क्या करते हो, कुरुत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो कुरुत, ये इसका बहुवचन का रूप इसमें आ जाएगा। अब हम घ का उत्तर देखेंगे। यहां हमें लिखा हुआ है बाल है किम, ठीक है, और यह हमारे पास रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में हमें सही विकल्प का चयन करना है। देखिए बाल है किम, ठीक है, खेलसी करोती महसुतर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प है, सही विकल्प का हमें चयन करके और भरना है, ठीक है। तो बाल है किम करोती क्या आएगा, करोती। तो हम रिक्त स्थान में करोती भरेंगे और यहां पर करेंगे टिक मार्क। बाल है किम करोती, करोती सही विकल्प है, ठीक है। हम यहां लिखेंगे करोती, ठीक है। आइए अब हम दूसरा अभ्यास प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है उचित मेलनम कुरुत। यहां हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, सर्वनाम शब्द हैं, उनका हमें क्रिया के साथ मेल करना है। इसमें हमें यह देखना है कि कौन से सर्वनाम के साथ कौन सी क्रिया उचित होगी। तो आइए मिलान करते हैं। देखिए सबसे पहला क, ये जो क है इसमें लिखा हुआ है त्वम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, त्वम। तो हमें त्वम के साथ क्रिया का रूप देखना है, ठीक है। क्रिया के रूप में धातु धन असी होगा त्वम के साथ, तो त्वम धातु धन असी। तो देखिए गायंती हसत लिखती तरत नमत और यच्छसी, तो यच्छ धन असी ये जो रूप है ये त्वम के साथ मैच करता है, इसलिए हम इसे मैच कर देंगे, त्वम यच्छसी, क्लियर है। इसके बाद में हम ख देखते हैं तो तव, ये देखिए तत् सर्वनाम शब्द है, उसमें बहुवचन का रूप है पुल्लिंग, ठीक है। पुल्लिंग बहुवचन, पुल्लिंग द्विवचन, ये पुल्लिंग द्विवचन का रूप है। स तव ते, तो पुल्लिंग द्विवचन में तव, ठीक है। तो इसी प्रकार से पुल्लिंग द्विवचन जो है उसी की क्रिया आएगी, तो तव क्या हो जाएगा, नमत है, क्या हो जाएगा, नमत है। तो इसे हम मैच कर देंगे, तव नमत है, ठीक है। इसी प्रकार से युवाम, तो एम आवाम वयम, त्वम युवाम युयम युवाम, ठीक है, तुम दोनों। तो युवाम के साथ क्रिया का कौन सा रूप आएगा, तो अथर, ठीक है, विसर्ग सहित। तो युवाम तरथर क्या हो जाएगा, युवाम तरथर, ठीक है। इसी प्रकार से घर, इसमें शहर, ठीक है, तो अति
धातु धन अति, ठीक है। तो देखिए स के साथ क्या हो जाएगा, लिखति धातु धन अति, तो स के साथ मेल कर देंगे हम धातु धन अति, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से युयम, तो त्वम युवाम युयम, इसमें धातु धन अथ, धातु धन अथ, तो धातु धन अथ ये रूप होगा, तो हस धन अथ हसत, तो युयम के साथ क्या हो जाएगा, युयम हसत, ठीक है। इसी प्रकार से ता, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये ता, ये तत् शब्द का रूप है, ठीक है। तो ता से तौ ते और सा पे ता, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, गायंती, क्या हो जाएगा, गायंती, ये बहुवचन का रूप है, ठीक है। एक बार फिर हम इन्हें देख लेते हैं। देखिए त्वम, त्वम के साथ यच्छसि, त्वम यच्छसि, फिर होगा तौ, तौ के साथ नमत है, ठीक है, और युवाम, युवाम के साथ हमने क्या लगाया, तरत है, और सह, सह के साथ लिखति, और युयम, युयम के साथ क्या लगाया, युयम हसत है, और ता गायंती, ठीक है। इस प्रकार से हमने मेल किया। आइए अब हम अगला अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आइए अब हम तृतीय अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। विद्यार्थियों हमारा तीसरा प्रश्न कहता है कोष्टकेषु प्रदत्त धातूनां उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठकेषु प्रदत्त, कोष्ठक में दी हुई धातूनां, धातुओं का उचित रूपेण, उचित रूप, सही रूप, रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में दी हुई धातुओं के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। हमारे पास ये रिक्त स्थान है, इसमें हमें दी गई धातु का क्रिया बनाकर उचित रूप लिखना है। आप देख रहे हैं यहां है त्वम, ठीक है। तो आप लोगों ने अध्याय में पढ़ा त्वम के साथ क्रिया का कौन सा रूप आता है, यहां क्रीड दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रीडति, क्रीडत, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथ, क्रीडत। तो मध्यम पुरुष में हम देखेंगे तो त्वम, त्वम के साथ क्या होगा, क्रीडसि, क्या हो जाएगा, त्वम क्रीडसि। ठीक है, त्वम के साथ क्रीडसि, तो यह क्रीड जो धातु है इसका सही रूप है त्वम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यह है युवाम, जिसका मतलब होता है तुम दोनों, मध्यम पुरुष द्विवचन, त्रि तर, इसका लट लकार का रूप भरना है। तो देखिए यहां रूप चलते हैं, मैंने आपको अध्याय में बताया था असि, अथ और अथ, असि, अथ, अथ, असि एक वचन में, अथ द्विवचन में, और अथ बहुवचन में। तो असि एक वचन में, युवाम द्विवचन है, अथ, तो यहां तर, तर का द्विवचन हो जाएगा तर अथ, क्या हो जाएगा, तर थ, ठीक है। इसी प्रकार से युयम, युयम बहुवचन में है और यहां रूप होगा अथ, धातु धन अथ, तो धातु है हमारी नृत्य, ठीक है, इसके साथ हम अथ जोड़ेंगे तो नृत्य अथ, युयम नृत्य अथ,
क्या हो जाएगा, यूयम नृत्यथ। ठीक इसी प्रकार से यह है ते, ठीक है, ते के साथ गई का धातु रूप हमें जोड़ना है, ठीक है। तो ते बहुवचन में है इसलिए क्या हो जाएगा, ते गायंती। ठीक है, स तौ ते, ठीक है, तो ये पुल्लिंग बहुवचन में ते गायंती। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, निर्देश अनुसार वचनानि परिवर्त वाक्यानि लिखत। निर्देश के अनुसार वचनों में परिवर्तन करके वाक्यों को लिखना है। इसमें हमें वचन परिवर्तन करना है। तो देखो, त्वम विद्यालयम गच्छसि, इसको हमें बहुवचन में बनाना है। त्वम विद्यालयम गच्छसि जो है यह किसमें है, एक वचन में है, और हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा त्वम का हो जाएगा यूयम, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम विद्यालयम, ठीक है, और गच्छसि गच्छसि गच्छथ गच्छत, क्या हो जाएगा यहां पर, गच्छत हो जाएगा, यह बहुवचन में हो गया। यह एक वचन में हमें दिया हुआ था और हमने इसका बहुवचन बनाया, तो त्वम का त्वम युवाम युवम यूयम बहुवचन में, विद्यालयम और गच्छसि का क्या हो जाएगा, गच्छत हो जाएगा। अब है यूयम भोजनम खादत, इसका एक वचन बनाना है, तो यूयम जो है उसका एक वचन करेंगे तो यह हो जाएगा त्वम, क्या हो जाएगा, त्वम, यूयम का एक वचन त्वम भोजनम, तो भोजनम, ठीक है, और खादत, ये क्रिया को हम एक वचन में लेके आएंगे तो एक वचन में असी धातु धन, असी तो खाद धातु है, इसमें हम असी जोड़ देंगे हो जाएगा खादसी, क्या हो जाएगा, खादसी, तो त्वम भोजनम खादसी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से त्वम क्रीडसी, इसका हमें बहुवचन बनाना है, तुम खेलते हो, त्वम क्रीडसी तुम खेलते हो, इसका हमें बहुवचन बनाना है, तो बहुवचन बनाने के लिए हमें त्वम को बहुवचन में ले जाना होगा, तो त्वम का बहुवचन होता है त्वम युवाम यूयम, त्वम का क्या हो जाएगा, यूयम हो जाएगा, यूयम, और क्रीडसी इसका बहुवचन होगा, क्रीडसी एक वचन में, क्रीडसी क्रीडत द्विवचन में, और क्रीडत यह बहुवचन में हो जाएगा, तो यूयम क्रीडत, ठीक है। इसी प्रकार से यूयम किम कुरुत, इसका हमें द्विवचन बनाना है, इसका हमें क्या बनाना है, द्विवचन बनाना है, यह बहुवचन का वाक्य है, तो द्विवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यूयम को द्विवचन में लेकर के आएंगे, तो त्वम युवाम यूयम द्विवचन में क्या होगा, युवाम, यूयम का हो जाएगा युवाम किम, और कुरुत का क्या हो जाएगा, यहां हम करेंगे धातु धन असी अथ अथ, तो यहां हम द्विवचन में बना रहे हैं, तो धातु धन अथ, तो कुरुथ, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा, यहां पर बहुवचन बनाने की बात कर रहा है, तो हमने किया त्वम विद्यालयम गच्छसि, ये एक वचन का वाक्य है, इसे हमने बहुवचन में बदल दिया, त्वम को बदला, त्वम का बहुवचन यूयम विद्यालयम और गच्छसि का गच्छत, ठीक है। इसी प्रकार से यूयम भोजनम खादत, ये बहुवचन का वाक्य है और यहां हमें एक वचन बनाने की बात कर रहा है, ये तो एक वचन में हम बदलेंगे, त्वम भोजनम
खादसी, क्या हो जाएगा? त्वम भोजनम खादसी। इसी प्रकार से यहाँ त्वम क्रीडसी बहुवचन का सेंटेंस है। हमारे पास एक वचन का सेंटेंस है और यहाँ बहुवचन बनाने की बात कर रहा है। तो एक वचन का हमने बहुवचन बनाया यूयम क्रीडत, यूयम किम कुरोत, ये बहुवचन का है और यहाँ द्विवचन बनाने की बात कर रहा है। तो हमने द्विवचन बनाया यूयम का युवाम, किम और कुरोत, जो क्रिया है इसे हम द्विवचन में ले गए, द्विवचन में हो जाएगी कुरुथ। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वह पांचवा है। यह कहता है अधो लिखितेसु वाक्येषु रेखांकित पदानि शुद्धानि कुरु। अधो लिखितेसु वाक्येषु यानी नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानी, रेखांकित पदों को, अंडरलाइन शब्द जो हैं, उनको शुद्धानी कुरुते, उन शब्दों को हमें शुद्ध करके लिखना है। कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों के नीचे लाइन है ये सभी शब्द अशुद्ध हैं, इन शब्दों को हमें शुद्ध करना है। आइए शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। देखिए त्वम पठती, तो पठती ये प्रथम पुरुष की क्रिया है, जबकि यहां पर ये जो कर्ता है ये मध्यम पुरुष का है। कर्ता किसका है? मध्यम पुरुष का। तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होनी चाहिए। जिस पुरुष का कर्ता होता है उसी पुरुष की क्रिया होती है, कर्ता का जो वचन होता है वही क्रिया का वचन होना चाहिए और तब जाके हम हमारा सेंटेंस ठीक से बना पाते हैं। तो यहां देखिए त्वम पठती, तो ये पठती गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? त्वम पठती का क्या हो जाएगा? त्वम पठसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वम पठसी, ये अर्थ देता है तुम पढ़ते हो। ठीक है, तुम पढ़ते हो। अब ये मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की हमने क्रिया जोड़ दी, तो अब हमारा सेंटेंस सही है। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। ये कहता है सह पठसी, वह पढ़ता है। ठीक है, तो यहां भी वही गड़बड़ है। यहां प्रथम पुरुष का कर्ता है और ये जो क्रिया है यह है मध्यम पुरुष की, तो इसे हमें ठीक करना होगा। सह के साथ क्या हो जाएगा? सह पठती, सह पठती, जिसका अर्थ होता है वह पढ़ता है। सह पठती, वह पढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से अगली बार ये जो सेंटेंस देता है ये कहता है युवाम गीतम गायंती। ठीक है, तो त्वम युवाम युयम ये मध्यम पुरुष का करता है, मध्यम पुरुष और द्विवचन का। यहां पर ये जो क्रिया का रूप है ये गलत लिखा हुआ है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्रिया का रूप होगा धातु धन असि एक वचन, धातु धन अथ है द्विवचन और धातु धन अथ ये बहुवचन। तो यहां पर मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्रिया जो होगी वो धातु धन अथ, हमारी धातु है गा। ठीक है, गई, तो इसका हो जाता है गाय, तो ये हो जाएगा धातु धन अथ, तो गायथ। क्या हो जाएगा? गायथ, तो युवाम गीतम गायथ। ठीक है, इसका सही रूप होगा युवाम गीतम गायथ। ठीक है, जिसका मतलब होता है तुम दोनों गीत गाते हो। क्या अर्थ हो जाएगा? हो जाएगा तुम दोनों गीत गाते हो। ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला सेंटेंस है, कहता है यूयम किम कुरुथ,
यहाँ क्या है, युयम जो है ये कर्ता जो है वो बहुवचन में है और कुरुते ये क्रिया जो है ये द्विवचन की। हमें इसे ठीक करना होगा तो हमें क्रिया अंडरलाइन की हुई है, क्रिया का रूप हमें परिवर्तित करना है, तो क्रिया का रूप कुरुते से बदल करके हमें कुरुत करना है, क्योंकि कुरुत क्रिया जो है वो बहुवचन की। तो देखिए इसे बदलेंगे, यूयम यानी तुम सब, किम क्या, और कुरुत है ये द्विवचन की है, इसे हम कर देंगे कुरुत। तो तुम सब क्या करते हो, क्या अर्थ हो जाएगा, तुम सब क्या करते हो। ठीक इसी प्रकार से तुम बालक है अस्ति, ठीक है, तो यहां जो अस्ति है यह है मध्यम पुरुष में नहीं होता, ठीक है, अस्ति जो है वह यहां पर गलत है, तो अस्ति का क्या हो जाएगा असी, अस्ति का क्या हो जाएगा असी, तो यहां हमें यह चेंज करना होगा और हम लिखेंगे तुम बालक असी, क्या लिख देंगे हम, तुम बालक है असी, तुम बालक हो, ठीक है, तुम बालक हो, तुम बालक असी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है हमारा, युवाम विद्यालयम गच्छति, युवाम तुम दोनों, विद्यालयम विद्यालय, गच्छति ये क्रिया जो है यहां उचित नहीं है, क्रिया का उचित रूप हम भरेंगे। तो देखिए त्वम युवाम युवम युयम, ये युवाम जो है ये द्विवचन है और द्विवचन क्रिया का रूप आएगा, तो धातु धन असी एक वचन, धातु धन अथ है द्विवचन और धातु धन अथ बहुवचन, तो ये युवाम द्विवचन है तो धातु धन अथ है, ठीक है, धातु है हमारी गच्छ, यह हो जाएगा युवाम विद्यालयम, ठीक है, और गच्छथ, ठीक है, तुम दोनों विद्यालय जाते हो। तो देखिए पहले हमने हल किया, क्रिया के सही रूप हमें धातु रूप दिया हुआ था और उस धातु रूप से हमें क्रिया बनानी थी और क्रिया का लट लकार का रूप बनाना था, तो हमने बनाया जैसे क्रीड धातु हमें दे रखी है, इसका लट लकार का रूप बनाना है और वह मध्यम पुरुष का रूप होना चाहिए, क्योंकि हमें यहां मध्यम पुरुष का कर्ता पहले से दिया हुआ है, तो मध्यम पुरुष में हमने बनाया क्रीड का क्रीडसी, यहां मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है, मध्यम पुरुष द्विवचन में होगा तरथ है तरका, और इसी प्रकार से ये मध्यम पुरुष बहुवचन है उसमें हमें नृत्यथ रूप बना दिया, ठीक है। इसके बाद में चौथे प्रश्न में हमें दिया गया था हमें सेंटेंस जो है उनका वचन चेंज करना है, वाक्यों का वचन बदलना है, यहां हमें बहुवचन बनाना है, एक वचन बहुवचन और द्विवचन, तो हमने वचनों को बदला, जैसे यहां एक वचन से बहुवचन बनाया, यहां बहुवचन से एक वचन और यहां एक वचन से बहुवचन, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसमें वचनों को बदला। और पांचवा जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें क्रिया के सही रूप करने थे, क्रिया का गलत रूप दिया हुआ था तो कर्ता के अनुसार हमने क्रिया का उचित रूप इनके साथ देखा, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, आइए अब आगे देखते हैं।